हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ और मेरा यही कहना है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शिवानी को वोट करें, उनका सपोर्ट करें। तो जिसको वोट करना नहीं आता है तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर एक जियो सिनेमा ऐप होगा, उसको आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप 29 पे एक सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप शिवानी को आसानी से वोट कर सकते हैं। और हाँ, उसमें आपको एक शिवानी की फोटो दिखेगी, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या अनलिमिटेड बार आप वोट कर सकते हैं। तो आप सब कुछ जाइए और वोट करिए और लोगों से भी कराइए। तो और आज का जो बिग बॉस का शो था, उसमें आज शिवानी से ही सना सुल्तान का झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या हुआ, किस टॉपिक पर हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो झगड़ा है आज इस बारे में हुआ कि उसमें जो रणवीर जी है, तो शिवानी ने सना से ये बोला, मतलब सना ने बोला होगा कि रणवीर आएगा तो बर्तन भिड़ेगा। शिवानी को बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शिवानी का कहना ये है कि हमारे गांव में जो लोग बड़े होते हैं तो उनको भैया या कुछ भी लगा के बात करते हैं, का नाम नहीं लिया जाता है। आप तो हमको बदतमीज बोलती हो, तो आप ही तो बदतमीज हो, क्योंकि आपको तो मैनर्स ही नहीं है। लोगों से कैसे बात करी जाती, कैसे बात नहीं करी जाती है, तो आप ही तमीज सीखते। तो सना सुल्तान इस बात पर आया काफी गुस्सा कि ये मुझे क्या बोल रही है, भी बदतमीज है और मुझे बोल रही है सब। और फिर सना सुल्तान ने ये बोला कि आप मुझको तमीज मत सिखाइए। तो शिवानी ने यही बोला कि अगर मैं आपको तमीज नहीं सिखा सकती, मैं तो एक बात बता रही हूँ कि जैसे कि आप सबसे बात करती हो, सबका नाम लेती हो, तो इस तरीके से नाम नहीं लिया जाता। तो इस बात में काफी झगड़ा हुआ उसके बाद। फिर और हाँ, ये भी बोला गया कि मतलब जैसे कि सब लोग बिग बॉस में ये बोलते हैं कि शिवानी को तमीज नहीं है, वो बहुत तेज आवाज में बोलती है, ये सारी चीजें आज हुई। तो अगर हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और ज्यादा से ज्यादा शिवानी को वोट करें। बाय बाय, गुड।